नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुई जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, गोचर से संबंधित जानकारी मैं समय समय आपके सामने लाता रहता हूँ। जब भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ट्रांजिट करते हैं तो उसका राशि विशेष पर अवश्य प्रभाव देखा जाता है। अब राशि विशेष का प्रभाव यानी कोई भी राशि है उससे गोचर में ग्रह कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं और उनका क्या प्रभाव होने वाला है। बृहस्पति देव 4 नवंबर 2019 को धनु राशि के अंदर प्रवेश करे, उसके बाद ये ग्रह मकर में गए, मकर से वापस धनु में आए और अब फाइनली 20 नवंबर 2020 को ये ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। एक वर्ष तक बृहस्पति एक राशि के अंदर रहता है और जिस राशि में वो एंट्री करने वाले हैं मकर में, वहां पर बृहस्पति होते हैं नीच के। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस राशि का मालिक जो शनि देव हैं वो उसी ही राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं लगभग 2.5 वर्ष तक। यानी नीच के बृहस्पति को स्वग्रही शनि का सहयोग मिल रहा है, यानी नीच का बृहस्पति शनि से नीच भंग राजयोग प्राप्त कर रहा है। तो यानी ये एक अच्छा राजयोग हो गया है, क्योंकि काल पुरुष में बृहस्पति और शनि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान और कर्म के मालिक कहे जाते हैं। अब ऐसे दो ग्रह का प्रभाव अगर ब्रह्मांड में एक साथ हो जो कर्म कारक और धर्म कारक है, यानी प्रोफेशनली लाइफ को हैंडल करते हैं, पैसे को हैंडल करने वाले ये प्लेनेट होते हैं। बृहस्पति पैसा देता है, संतान सुख देता है, भाग्य को चमकाता है, कर्म के ऊपर अधिकार होता है, लाभ के ऊपर अधिकार होता है, तो वहीं शनि श्रमिक हैं, दास हैं, नौकर हैं, आपसे अलग अलग परिस्थितियों में, विषम विषम परिस्थितियों में मेहनत कराकर जीवन में तरक्की देने के लिए शनि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भूमिका अदा होती है। अब शनि जैसा ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर उच्च अपने अच्छे फल देगा और बृहस्पति जैसा ग्रह जब उसकी राशि में आए तो बृहस्पति को कहते हैं आचार्य, विवेक, समझदारी, सामाजिकता, सही समय पर सही निर्णय लेना, अच्छी बोलचाल का इस्तेमाल करना, अपनी बोलचाल से लोगों को प्रभावित करना, ये सब बृहस्पति के पास है। कोष है, फाइनेंस है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा को जागृत करना, नौकरी में पद प्रमोशन लेना, राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की कराना, ये सब चीजें बृहस्पति और शनि से मिलने वाली होती हैं। और जब ये राजयोग एक साथ ब्रह्मांड में देखा जाता है तो जरूर ये 12 राशियों को प्रभावित करता है। हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि वृषभ राशि जो कि 2 नंबर की राशि यानी टॉरस साइन है, उसके लिए ये गुरु शनि का जो राजयोग है जो आपकी राशि से भाग्य स्थान में बन रहा है, तो क्या वहां पर नीच का बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा या नहीं देगा? क्योंकि शनि तो अपनी जगह बहुत बैठे हैं, अच्छे हैं, लेकिन गोचर जो हो रहा है वो बृहस्पति का हो रहा है और बृहस्पति यहाँ नीच के हो रहे हैं। तो ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, क्या कार्य के लिए अच्छा है या नहीं है, नौकरी के लिए अच्छा है या नहीं, प्रमोशन देगा या नहीं देगा, तरक्की कराएगा या नहीं कराएगा, पैसे के लिहाज से कैसा, सामाजिकता के लिहाज से कैसा, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कैसा रहने वाला है, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, उसके लिए मैं आपके सामने की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा कि इस ग्रह का यहां पर आने के क्या फल हैं, उसके दृष्टि के क्या फल हैं और उसकी युति के कैसे फल हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और समझिए विस्तार से इस विषय को। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? बृहस्पति जो अब तक अपनी स्वग्रही राशि के अंदर चल रहे थे, राहु केतु अक्ष पे चल रहे थे, अब ये बृहस्पति स्वग्रही राशि से निकलकर नीच में पहुंच जाएंगे और राहु केतु से भी इनका पीछा छूट जाएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये जो योग बन रहा है, जिसको मैं राजयोग का नाम देना चाहूँगा, वो आपकी राशि से भाग्य स्थान में बन रहा है। यानी बृहस्पति और शनि जो कि किसी काम के लिए काल या ब्लेसिंग्स के लिए जाने जाते हैं, जिनके बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता, चाहे शादी हो, विवाह हो, व्यवसाय हो, संतान हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, वो बृहस्पति शनि के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।
अब बृहस्पति और शनि आपकी राशि से भाग्य स्थान में आए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ राजयोग की, कि गुरु और शनि जो कि धर्म और कर्म दोनों को एक साथ जोड़कर चलने वाले ग्रह कहलाते हैं। अब धर्म और कर्म दोनों का समन्वय अगर किसी भी कुंडली में एक साथ हो तो व्यक्ति के भीतर अवश्य वो सामाजिकता के गुण भी लाएगा, बाहरी क्रियाकलापों के गुण भी लाएगा। व्यक्ति अपने लिए भी सोचेगा, घर परिवार के लिए सोचेगा, सबको एक साथ जोड़कर एकजुट करने के लिए भी वो सोचेगा। अब गुरु और शनि का ये राजयोग आपकी राशि से जब नवम में बन रहा है तो नवम भाग्य स्थान है, तो नवम धर्म स्थान भी है, यानी धर्म के प्रति आस्था, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्यों में लगकर कोई काम करना या धार्मिक कार्यों से जुड़कर नाम और पैसा कमाना बनाने की स्थितियां आपको आने वाले समय में शुरू होने की संभावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको इस प्रकार की योजनाएं बनानी है कि आप धार्मिक लोगों से जुड़कर किसी मंदिर से, किसी एनजीओ से, किसी ट्रस्ट से, कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जो काम तो वो सरकार के लिए कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ट्रस्ट, किसी संस्था या किसी धार्मिक संस्थान के से जुड़ा हुआ होता है। तो उस प्रकार का मौका यदि आपको मिले, आप कोई काम करते हैं, धार्मिक संस्थान में आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, चाहे आप केमिकल की सप्लाई करते हो, चाहे आप फूड की सप्लाई करते हो, अगर आप ऐसे समय में धार्मिक जगहों से जुड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी प्रकार की हायर एजुकेशन करना चाह रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, आपकी हायर एजुकेशन रुकी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। धार्मिक कार्यों से लाभ मिल जाएगा, दूर स्थानों के लोगों से जुड़ के लाभ मिल जाएगा, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राएं करके आपको ये योग लाभ देगा, यानी गुरु शनि का योग आपके लिए फ़ायदा देने के लिए आया है। अब मैं बात करता हूँ शनि के बारे में कि शनि आपकी राशि से भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में चल रहे हैं और ये ग्रह 24 जनवरी 2020 को यहाँ आ गया था और लगभग 2.5 वर्ष तक शनि एक ही राशि में रहते हैं, नहीं राशि से भाग्य स्थान मजबूत है। शनि देव भाग्य, कर्म, लाभ, भाग्य से आपको लाभ देना, यानी आप किसी कार्य में अगर अपने जो राजमाइश कर रहे हैं आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो शनि देव उसके लिए तैयार हैं। अब उसके लिए एक प्लेनेट की और ज़रूरत होती है, वो है बृहस्पति। सबसे पहले आप ये देखिए कि बृहस्पति आपकी राशि से अब तक अष्टम में चल रहे थे, राशि से अष्टम का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता, पैसे को रोक लेता है, पैसे के फ्लो में तंगी देता है, किसी को पैसा दे दिया तो फंस गया, पैसा वापस नहीं आ रहा, कोई म्यूचुअल फंड कहीं लगा दिया वो वापस नहीं आ रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, शेयर मार्केट का पैसा अटक गया, रिश्तेदार ने पैसा ले लिया, घर परिवार वालों ने पैसा ले लिया, ससुराल पक्ष से पैसे का नुकसान हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेकिन अब ये बृहस्पति आ रहे हैं आपकी राशि से भाग्य में और भाग्येश वहीं बैठा हुआ है शनि, यानी कोई पुराना पैसा, अटका हुआ पैसा, नुकसान का पैसा अगर पिछले समय में हुआ है तो अब आपको उसके वापस मिलने के संकेत होंगे। सबसे पहली बात तो इसमें ये नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है, धार्मिक क्रियाकलापों से मैंने आपको बता ही दिया फ़ायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति देव धर्म के कारक हैं और धर्म का कारक ग्रह जब शनि के साथ हो और शनि कर्म कारक, यानी धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, लाभ आपको मिलने वाला है। अब आपकी राशि से अष्टम का स्वामी जब भाग्य स्थान में आए तो कभी कभी व्यक्ति आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ पे लात मार देता है, वो उसकी समझदारी में कमी की वजह से, विवेक की कमी है, बचपना है, मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है, तो क्या किसी बड़े की सलाह लेके नहीं चलता है, तो आपको उससे नुकसान की संभावना हो जाती है। तो जब जब राशि से अष्टम का मालिक भाग्य में चलता है तो व्यक्ति अपने स्वयं के गलत निर्णयों से अपने भाग्य पर लात मार लेता है। यहाँ वो बृहस्पति दोनों तरीके से काम करेगा, एक तो राशि से अष्टम का काम करेगा, दूसरा राशि से नवम में नीच का गुरु होने के कारण काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति 5 जगहों के कारक कहलाते हैं। अगर वो धन के कारक हैं, बुद्धि के, संतान के, भाग्य के, कर्म के, लाभ के कारक हैं, तो इसमें प्योरली रूप से बृहस्पति को कोष का कारक कहा गया। कोष कारक का मतलब है पैसा देने वाला ग्रह, लक्ष्मी प्रदान करने वाला ग्रह, पैसे को संचित करने का ग्रह, पैसे को इकट्ठे करने का ग्रह कहलाता है बृहस्पति। अब ऐसा बृहस्पति ऐसी स्थिति में हो तो आपको इन सब चीज़ों से सचेत और सावधान रहना होगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है।
बहुत सोच समझ के निर्णय लेने हैं, बड़े लोगों से सलाह करके निर्णय लोगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं बृहस्पति आपकी राशि से एकादशेष होकर भाग्य में है, यानी अगर सही निर्णय हुए, लोगों से सलाह लेके काम करी, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके काम करी, जल्दबाजी नहीं करी, तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आपका लाभ भी यहाँ भाग्य से जुड़ा हुआ है, यानी थोड़ी मेहनत से आपको लाभ मिलने वाला है। अब बृहस्पति की दृष्टि देखो आपके सीधे राशि के ऊपर आ रही है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल देर से देगा, थोड़ा समझदारी भरे हुए डिसीजन रखें, जल्दबाजी से बचें, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, कोई बीमारी चल रही है उस बीमारी से भी दूर हो जाएंगे, कोई कर्ज चल रहा है उस कर्ज से भी मुक्ति हो जाएगी। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आप देखिएगा आपकी राशि से तीसरे पे है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, छोटे बड़े स्थानों पे जाकर स्थान परिवर्तन करके आपको फ़ायदा मिल जाएगा। किसी रिश्तेदार के जरिए काम हो सकता है, किसी मित्र के जरिए काम हो सकता है, वो स्थिति यहाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कोई पुराना शौक भी उजागर हो सकता है। वहीं बृहस्पति की देखिए आप नवम दृष्टि आपके पंचम पे है, संतान के लिए ठीक है, आप संतान उत्पत्ति चाहते हैं, संतान नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, कोई शिक्षा में लिया है आपने एडमिशन, वो शिक्षा अधूरी रह गई, शिक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो वो सब काम इस दौरान सफल होंगे। ये बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, पैसे के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि बुद्धि अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले रही तो समझ लीजिए आपको उसका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो ये था बृहस्पति और शनि का जो योग है उसके क्या फल होंगे, शनि के क्या फल होंगे, बृहस्पति नीच का होने के बावजूद भी आपको कैसे कैसी स्थितियों में लाभ दे सकता है, किन चीज़ों से आपको बचना होगा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तृत एक जानकारी दी है। ऐसे समय में आपको उपाय के तौर पर क्या करना होता है, अगर आप अपने लग्न को यानी राशि को मजबूत करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। एक अच्छा सा तर्जनी उंगली में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण करो, चांदी की अंगूठी में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप धारण करो, अभिमंत्रित होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उसको आप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, मंगलवार के दिन 5 बेसन के लड्डू लेकर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए, उनके चरणों से आप आशीर्वाद लीजिए और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति मकर में आएंगे, नीच के होने के बाद भी आपको कैसा परिणाम देंगे उसके बारे में हमने आज यहाँ चर्चा की है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, नमस्कार।